खापरखेड़ा चिचोली ग्राम पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 1 स्टेशन रोड पर जिला परिषद प्राथमिक स्कूल की जमीन पर कोई निजी व्यक्तियों ने अतिक्रमण किए जाने का मामला सामने आया। अतिक्रमण संबंधित माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ के प्रांत कार्याध्यक्ष शेखर कोलती इन्होंने जिलाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कट विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत चिचोली इनको शिकायत की। इस पश्चात अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति पर फौजदारी गुनाह दाखिल करने की मांग की गई। बताया गया कि वार्ड नंबर 1 चिचोली जिला परिषद स्कूल परिसर में स्थानिक रहने वाले 3-4 लोगों ने अवैध कब्जा कर शासकीय जमीन पर अतिक्रमण किया। यह अतिक्रमणकारी लोगों के घर जिला परिषद स्कूल को लगकर रहने से उन्होंने स्कूल की दिशा से बांधकाम कर घर के पीछे दरवाजे खुले कर दिए। उसमें से कुछ लोगों ने उस जमीन पर गार्डन, दिन दिन कामकाज के लिए एवं चूल्हा जलाने का व्यापार शुरू किया। उसी साथ कुछ लोगों ने 2-व्हीलर, 4-व्हीलर गाड़ियों की पार्किंग के लिए शेड भी बनाने की जानकारी सूत्रों ने दी। BCN न्यूज के लिए खापरखेड़ा से दिलीप कजबे की रिपोर्ट। जिला परिषद शाळा चिचोली इथे जे अतिक्रमणाचा जो विषय आहे त्याबाबत तक्रार ग्रामपंचायतीला प्राप्त झालेली आहे। त्यानुसार ग्रामपंचायतीच्या मासिक सभेत ठराव घेऊन ते सदर अतिक्रमण पूर्ण काढण्याचे आदेश ठराव पूर्ण झालेले आहे। त्यानुसार आता कारवाई प्रोसेस सुरू झालेली आहे। संबंधितांना ज्यांची नोटीस अतिक्रमण आहेत त्यांना नोटीस देऊन त्या कालावधीत जर त्यांनी अतिक्रमण नाही काढले तर त्याच्यावर ग्रामपंचायतमार्फत फौजदारी कार्यवाही व अतिक्रमणच्या बाबतीत सार्वजनिक जागर केलेले अतिक्रमण कलम 54 त्यांच्यावर कारवाई पूर्ण करण्यात येईल व त्या ठिकाणी असलेले जे काही अतिक्रमण आहे ते पूर्ण अतिक्रमण 100% काढून निकाली करण्यात येईल।